राजस्थान गुर्जर आरक्षण और गुर्जर आरक्षण को लेकर उठी मांग कोई आज की मांग नहीं है, बल्कि वर्षों पुरानी मांग रही है। वो चाहते हैं अपने बैकलॉग की पूर्ति, वो चाहते हैं अपने समुदाय विशेष को 5% आरक्षण, वो चाहते हैं कि आंदोलन के दौरान जो उन पर मुकदमे दायर किए गए थे उन सभी की समाप्ति। जी हाँ, सरकारें किसी की भी रही हो, लेकिन सारी चीजें होती हैं न्यायसंगत तरीके से। यदि कोई चीज संभव नहीं है तो उसे एक ही बार में क्लियर कर दिया जाना चाहिए, न कि उसे आने वाली प्रवर्ती सरकारों के लिए पेंडिंग छोड़ देना चाहिए। आज यही आरोप गुर्जर समुदाय के लोग लगा रहे हैं कि वर्षों बाद भी उनका ये मामला आखिर क्यों नहीं सुलझ रहा है। कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला का रेलवे ट्रैक पर आकर बैठने की बात क्या हुई कि पूरे प्रदेश के अंतर्गत हलचल पैदा हो जाती है। क्यों ना हो, समुदाय विशेष के द्वारा बेशक आंदोलन की शुरुआत की जा रही हो, लेकिन यदि ट्रेनें डायवर्ट की जाती हैं और यदि किसी तरह से लोगों को अव्यवस्था का शिकार होना पड़ता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वो हर एक व्यक्ति को सुरक्षा और सुविधाएं उपलब्ध करवाएं। कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला द्वारा प्रस्तावित 9 नवंबर यानी आज का दिन एक प्रस्तावित महापड़ाव का दिन निश्चित किया गया था, यानी कि आज शाम तक सरकार अपना निर्णय सुना दे ताकि गुर्जर समुदाय के वो पंच पटेल जो 8 दिन से लगातार पटरी पर बैठे हुए हैं वो आज किसी नतीजे पर पहुंच सके और केवल पीलूपुरा या उसी एरिया से शुरू होने वाला वो जो आंदोलन था अब आ गया है देश और प्रदेश की राजधानी के बीच में आ खड़ा हुआ है। जी हाँ, कोटपुतली राजस्थान की राजधानी जयपुर और प्रदेश की राजधानी दिल्ली के बीच की वो योजक कड़ी है जो कि दोनों राजधानियों के जरिए पूरे देश को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। जी हाँ, क्षेत्र के तमाम गुर्जर पंच पटेल स्थानीय नेशनल हाईवे 8 पर स्थित देवनारायण मंदिर पर जिस तरह के गुर्जर समुदाय के लोगों का जमावड़ा बढ़ता जा रहा है तो उसी के अनुपात में पुलिस प्रशासन और जवानों ने भी अपना अपना मोर्चा संभाल लिया है। बावजूद इसके कि पहला ही दिन था, लेकिन उत्साही नौजवानों के द्वारा रोड पर आकर के क्षणिक रूप से ही सही, लेकिन उन्होंने रोड जाम करने का प्रयास किया और रोड जाम करने के दौरान सड़कों पे वो लेट गए, रास्ता जाम हुआ और तभी मौके पर मौजूद एएसपी रामकुमार कशवाहा ने अपने एक अंदाज में कहा कि ये दोबारा से गलती यदि ऐसी हुई तो उस समय नहीं बर्दाश्त होगा, यानी किसी भी स्थिति में नेशनल हाईवे 8 को जाम नहीं होने दिया जाएगा। तो वही इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, आरएलपी के प्रदेश महासचिव रामस्वरूप कसाना का कहना यह है कि कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला जैसा आदेश करेंगे हमें उसकी अनुपालना करनी होगी, जरूरत पड़ी तो जाम भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। तो वहीं हीरा लाल रावत का भी कहना यही है कि हमारे एकमात्र सर्वमान्य नेता यदि कोई है तो कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला है, समाज एकजुट है, किसी भी रूप में हम समाज के नौजवानों के साथ उनका अहित नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। ख्याली राम गुर्जर अपने ही अंदाज में ये कहते हैं, हम गांव के लोग हैं, ज्यादा बात समझते नहीं है, हमारा एक ही नेता है कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला, अभी तो संख्या कुछ नहीं है, जैसे ही 4 बजे उनका फोन आएगा अचानक गांव से लोग कूच करेंगे और जरूरत पड़ी तो हाईवे को जाम कर देंगे। तो इस पूरे आंदोलन का जो नेतृत्व इस समय कर रहे हैं कोटपुतली में वो गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष मुकेश कसाना कर रहे हैं, क्योंकि काफी समझदार नेता माने जाते हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं, हो सकता है कि सरकार आज शाम तक किसी समझौता मोड़ पर आ जाए, लेकिन लड़ाई आर पार की है, जो होना है शीघ्रता से होना है। चलिए हम आपको ट्रैक पे ले चलते हैं, यानी कि दो राजधानियों के बीच नेशनल हाईवे 8 पर स्थित देवनारायण मंदिर और जहां से समुदाय विशेष के लोगों की पंचायत जो हो रही है, जिस तरह से उन लोगों ने सड़क पर आकर रास्ते को जाम करने का प्रयास किया है, इस पूरे महापड़ाव के अंतर्गत जो गुर्जर नेता उसमें शामिल हैं, वो किस तरह की अपील करते देखे जा सकते हैं या वो क्या चाहते हैं, यानी जैसे जैसे समय पास हो रहा है वैसे वैसे ही आप मान के चलो पुलिस का तनाव भी बढ़ रहा है, तो आम व्यक्ति इस बात से परेशान है, जो लोग इस समय दो राजधानियों के बीच में मूवमेंट कर रहे हैं उन लोगों को भी एक तरह से इस बात की चिंता हो गई है कि आखिर उनका गंतव्य उन्हें मिलता है। चलिए हम बात करते हैं एएसपी रामकुमार कशवाहा से कि आखिर उन्होंने सुरक्षा के क्या इंतजाम किए हैं, तो क्या कहते हैं पूर्व संसदीय सचिव रामस्वरूप कसाना, क्या कहते हैं देवनारायण बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष शंकरलाल कसाना, तो इन तमाम लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया से हम इस नतीजे पर पहुंचने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज शाम तक गुर्जर आरक्षण के संदर्भ में सरकार और आंदोलनकारियों के बीच में क्या कोई समझौता होगा या फिर आर पार की लड़ाई के अंतर्गत
आने वाले दीपावली त्योहार से पहले एक बड़ी समस्या को आमंत्रित कर दिया जाएगा। समस्या को लेकर क्या कुछ इंतजाम आप लोगों के? आज ये पहले से इनकी मीटिंग प्रस्तावित थी, अभी करीब 200 लोग इकट्ठे हैं। कुछ युवा जोश में आके रोड पे आने की कोशिश की, जिसको हमारी पुलिस ने समझाइश करके वापस भेजा है, और निश्चित रूप से हम रोड जाम किसी भी तरह से नहीं होने देंगे। और इनको भी समझाया है, इनके लीडर्स जो हैं वो भी इनको समझाइश कर रहे हैं कि रोड जाम करना करते ठीक नहीं है। और वही हुआ, यहाँ पे कोई किसी भी तरह का रोड जाम अभी नहीं हुआ है। यहाँ पे सुरक्षा के तौर पे RAC की एक कंपनी और STF की कंपनी और सभी अधिकारी यहाँ पे SHO कोटली, CO कोटली, SHO सरूम और सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं और पूरी मुस्तैदी से ड्यूटी कर रहे हैं। किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है और इनकी मीटिंग अभी चल रही है और इनको समझाइश किया है। अभी जैसे अखिल भारतीय गुर्जर समुदाय की तरफ से SDM सुनीता मीणा को इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है कि यदि हमारे को आगे से कोई ऐलान ऐसा होता है तो हम अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसी क्रम में ये जो अभी यहाँ पंचायत हो रही है, इनकी क्या इन्होंने कोई लिखित में आपसे कोई सूचना ली है मीटिंग की? कौन लोग इसे आयोजित कर रहे हैं? ऐसा देवनारायण मंदिर इनका भगवान का मंदिर है, यहाँ पे इकट्ठे होकर ये अपनी मीटिंग कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, परंतु आगे अगर इस तरह का कोई प्रोग्राम करते हैं और रोड जाम वगैरह की स्थिति ऐसी कोई अनाउंसमेंट करते हैं तो हम इनसे बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से इसमें जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं, जैसे रासुका वगैरह है या फिर सख्ती से जो निपटने की जो हमारी ऊपर से निर्देश है, उसको हम पालना करेंगे और निश्चित रूप से हम रोड जाम नहीं होने देंगे। और भी जो भी भैंसला जी का आदेश होगा उस रूप में अगर उन्होंने कहा चक्का जाम करना है तो हम सब लोग मिलकर यहाँ से चक्का जाम करेंगे, रोड जाम करेंगे। स्थिति जो भी होगी, लगभग पूरा समुदाय मौजूद है और इसमें कोई भी राजनेता नहीं, सब जनप्रतिनिधि नहीं, सब लोग जो समाज के लोग हैं वो इकट्ठे हुए हैं और सब की जो भावना है जैसा कर्नल साहब का आदेश मिलता है उसी अनुरूप कार्य। ये पूरे समाज की आवाज है, खासतौर से युवाओं की आवाज है और इसको दबाया नहीं जा सकता। सरकार ने जो मैनिफेस्टो में किया उसका पालन कीजिए, हम सब सरकार के साथ हैं। अन्यथा अगर सरकार ने जो वादा किया वो पूरा नहीं करेंगे तो फिर गुर्जर समाज उग्र आंदोलन के लिए तैयार। समाज के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भैंसला जी के आह्वान पर पूरे राजस्थान में गुर्जर समाज आरक्षण के जो इशू है उसके लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसमें मुख्य मुद्दा, जैसा कि राजस्थान में जो कांग्रेस की सरकार चल रही है, 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात कही थी कि जो भी बैकलॉग है MBC वर्ग का वो भरा जाएगा, जो मुफ्त में है उनको वापस लिया जाएगा और जो मृतकों के आश्रित है जिनको नौकरी नहीं मिली उनको नौकरी दी जाएगी। उसके बाद में मलराना डूंगर में लिखित में गवर्नमेंट ने समझौता भी किया, लेकिन अभी तक वो मांगे हमारी पूरी नहीं हुई, इसलिए मजबूर होकर अब समाज को आंदोलन करना पड़ रहा है। महापंचायत आज पहला दिन है और हम 6 दिन से रेगुलर बैठे हैं। बीच में ये बच्चों की परीक्षा होने की वजह से हमने ढीला दे दिया था, उसकी वजह से आज सबको एकत्रित किया है और आज सारी समाज बैठ के ये निर्णय करेंगे। कमेटी गठित कर उसके हिसाब से आगे की रणनीति बनाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। आज जो ये प्रस्तावित महापंचायत आपने बुलाई है, क्या ये प्रशासन को सूचित करके और फिर हमने पंचायत का आयोजन किया? नहीं, ये तो अखबार में और यहाँ भी बता दिया था, प्रशासन को मालूम है 9 तारीख को महापंचायत हो रही है, ये सबको मालूम है। यदि वहाँ से कोई आदेश होता है तो संभावनाएं क्या व्यक्त की जाए यहाँ? अगर वहाँ के आदेश हो गए, अजमाएंगे, मान ली तो हम स्थगित कर देंगे, और नहीं मानी जाती है नहीं माने तो चलता रहेगा। मुकेश कसाना, गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति प्रदेश सदस्य। मुकेश जी, अभी संघर्ष समिति के आप अध्यक्ष भी हैं, यहाँ से प्रदेश स्तर के ऊपर आप यहाँ पर कमान संभाले हुए हैं और या कहें कि देश और प्रदेश को प्रभावित करने की स्थिति में आप इस समय मौजूद हैं। कोटपुली देवनारायण मंदिर में जिस तरह से गुर्जर समुदाय का जनसैलाब उमड़ता जा रहा है, संख्या बढ़ रही है, उसको देखते हुए बाहर पुलिस प्रशासन भी कम से कम उसके अंदर भी हलचल देखी जा सकती है। हमारा जो नेता कर्नल भैंसला है जो 8 दिन से ट्रेन पे बैठा है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है जो हमारी मांग पूरी करे, क्योंकि पूरे प्रदेश के गुर्जर समाज में उबाल है और MBC वर्ग समाज में उबाल है। हम नहीं चाहते कि राजस्थान के अंदर अमन चैन बिगड़े, आम जन परेशान हो, परंतु सरकार की नैतिकता है, उसकी जिम्मेदारी है कि जो हमारी जो वाजिब मांग है, जो 20 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं, 73 वीर सपूतों की हमने जो कुर्बानी दी है, बार बार ये समाज ट्रेक पे आता है, बार बार सड़क पे आता है। हम नहीं चाहते हैं कि आम जन परेशान हो। प्रदेश के अंदर कोरोना काल चल रहा है, वैसे यहाँ आम आदमी इस महामारी से जूझ रहा है,
परंतु ये सरकार की नाकामी मैं समझता हूँ कि जो हमारे नेता की मांग 8 दिन से नहीं मान रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार की कमजोरी दर्शाती है। और ये समाज की एकता तो आप देख ही रहे हो, आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि कोटपुली क्षेत्र की ये जनता और आसपास की समाज की जनता बहुत उग्र रूप धारण करेगी। इसलिए सरकार को आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ कि जैसे भी हमारा नेता का जो मांग है, जो हमारी वाजिब मांग है, उसको मान लीजिए, जैसे कि हमारा नेता वहाँ ट्रैक से उठ जाए और ये समाज अपने रास्ते चले जाए। कि हमारे बीजेपी सरकार के जब आंदोलन होते थे तो हमारे भराना जी हमारे मध्यस्थ कराते थे, और अब की बार हमारे चांदना साहब हैं और सचिन पायलट हमारे समाज के लीडर हैं, वो पार्टी के लीडर हैं, वो समाज की नैतिकता के हिसाब से उन्होंने अपने मीडिया के माध्यम से बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि जो समाज का वाजिब हक है वो दे दीजिए और ये समाज इस मुद्दे पर एक है। हिम्मत सिंह किस तरह से जो आप जिस व्यक्ति का नाम ले रहे हो हिम्मत सिंह का, ये समाज तो इसको पहले से ही प्रखात कर चुका है, ये समाज का हिस्सा नहीं है और ये समाज है ये सिर्फ एक ही आदमी को सर्वमान्य मानती है जो है कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला, उसी की नेतृत्व को स्वीकार करती है। बाकी जो लोग ये समाज में भ्रांति पैदा कर रहे हैं इनका कोई औचित्य नहीं है। जाते रोड को जाम कर देते हैं जिसकी बदौलत एएसपी को एक सख्त डिसीजन लेना पड़ा और उसने अपना स्टेटमेंट दिया है कि दोबारा यदि ऐसा होगा तो सख्ती से निपटा जाएगा, आप क्या कहेंगे? देखिए मैं युवाओं से अपील करूंगा कि आप शांति बनाए रखें, हम नहीं चाहते कि आप सड़क पे जाएं क्योंकि सड़क पे जाना आमजन परेशान होता है, ये यातायात बाधित होता है। हम कानून के दायरे में ही ये महापंचायत कर रहे हैं, हम हमारी नेता को मजबूत करने के लिए महापंचायत कर रहे हैं और शांतिपूर्वक महापंचायत करेंगे जब तक हमारा नेता का कोई आदेश नहीं आता है, जब तक हम शांतिपूर्वक करेंगे। कुछ लोग जो असामाजिक लोग हैं वो करते हैं उनको हम समझाने का प्रयास करेंगे, हम पूरा प्रशासन का सहयोग करेंगे। आज आपके इस आंदोलन के पहले दिन में कौन कौन लोग शामिल? संसद सचिव रामस्वरूप कसाणा जी मौजूद है, हंसराज पटेल जी मौजूद है, यहाँ पर शंकर कसाणा जी मौजूद है, तमाम यहाँ पर ख्याली जी है, तमाम ऐसे व्यक्ति है, विक्रम जी सरपंच साहब है, हमारे सरपंच संघ अध्यक्ष हीरालाल जी जो मलपुरा से हैं, तो ऐसे गणमान्य व्यक्ति है, हमारे स्थानीय सरपंच साहब यहाँ पर मौजूद है, किरणपुरा खुर्द के विक्रम सरपंच साहब तो हैं, और तमाम यहाँ पर जो सरपंच है हमारे इस क्षेत्र के उधर समाज के वो भी यहाँ मौजूद है और समाज के गणमान्य सभी लोग मौजूद है। आपको लगता है कि आज कोई नतीजा निकलना चाहिए? देखिए लगता नहीं, आज नतीजा निकल के मानेगा क्योंकि ये आपके माध्यम से ये सरकार देखेगी कि जो गुजरों के अंदर जो उबाल है, इस उबाल को देखते हुए, इस गर्मी को देखते हुए सरकार कहीं ना कहीं आज फैसला करने के मूड में है। जग टीवी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज देव महाराज कोटपुतले के स्थान पे कर्नल साहब का आदेश हुआ, 9 अक्टूबर को पूरे राजस्थान भर में चक्का जाम का ऐलान किया है उन्होंने। पिछले 3 रोज से पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा होने के कारण आंदोलन को शिथिलता बरती, लेकिन 9 तारीख का कर्नल साहब का ऐलान था कि कोटपुतली भी नहीं पूरे राजस्थान में भी जहां गुजर बाहुल्य गुजर निवास करता है वहां सड़कों पे आपको चक्का जाम करना है, वो आदेश कर्नल साहब का मान्य होगा। इस गुजर कौम का एक ही नेता है कर्नल साहब, और कर्नल साहब से ही कई खापे निकल के गई हैं वो अपने राजनीतिक वर्चस्व को कायम करने के लिए, चाहे आप अभी बता रहे थे हिम्मत सिंह जी हों, चाहे पहला कटारा हों, और भी कई तमाम लोग हैं, करौली सवाई माधोपुर दौसा जयपुर से कई लोग ऐसे होते हैं जो पार्टियों में बंधित हो गए हैं, प्रतिबंधित हो गए हैं, जिनके कारण इस आंदोलन को कमजोर करने की जो मानसिकता है उसको एक गुजर समुदाय कभी भी सफल नहीं होने देगा। ऐसा माना जाता है जिस तरह से गुजर समुदाय के आंदोलन के लिए पीलूपुरा एक प्रॉपर जगह है, वहीं से वो अपने आंदोलन की शुरुआत करते हैं, ठीक वैसे ही कोटपुतली का देवनारायण मंदिर जो है वो 2 राजधानियों की योजक कड़ी कोटपुतली नेशनल हाईवे पर है, यहाँ यदि कुछ भी ऐसा होता है तो देश और प्रदेश दोनों तुरंत प्रभावित होते हैं, दोनों कैपिटल है। तो आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ से कर्नल साहब का 4 बजे मैसेज आएगा, जैसे ही हमारे जिला अध्यक्ष हैं गुजर आरक्षण संघर्ष समिति के भाई मुकेश कसाणा जी, उनके पास बराबर वो फोन पे अपडेट है कर्नल साहब से, पीलूपुरा से सीधा उनके पास प्रत्येक मैसेज, प्रत्येक छोटी से छोटी बात उनके पास पहुंच रही है, जो निर्देश देंगे इस समाज के युवाओं को, इन पगड़ीधारी सरदार पटेलों को, उनके आदेश की पालना होगी। अगर वो कहते हैं कि हमें चक्का जाम करना है तो ये गुजर का नौजवान ये पगड़ीधारी सरदार पटेल उस रोड हाईवे NH8 को जाम करने की ताकत रखते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आज हम ये कह रहे हैं कि जब जब आंदोलन हुआ हम गाँव के आदमी है, अनपढ़ रहे हैं, हम हमारे बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कर्नल भैसनाल ने जो किया जो बढ़िया किया, जैसे हिम्मत सिंह वगैरह ये राजनीति रोटी सेकते हैं नेता, हम नेताओं को नहीं मानते, हम मानते हैं कर्नल भैसला साहब को, जो भी हम गांव के किसान मित्र हैं, जो हम एकजुट हैं, किसी में कोई भार नहीं है और हम
सरकार से ये कह रहे हैं, इस सरकार ने 5% का आश्वासन हमारे दिया था, हम उठ गए थे, हम शांति थे, ये सरकार क्यों नहीं दे रही, अब क्यों बरकला रही है हमारे को? क्या हमारे अंदर 5 फुट करना चाहती है, क्या और कुछ करना चाहती है? हम नहीं चाहते हैं किसी आम जन परेशान हो और हम परेशान हो। ये बताओ, जैसे अभी कुछ लोगों ने जाके हाईवे को जाम करने की कोशिश की, ये देखो आप आवाज सुन सकते हो किस तरह की आवाजें आ रही हैं, यदि मांग नहीं मानी जाती है तो क्या होगा? अगर साहब कहबा मारा है कि चांदना साहब वहाँ वार्ता पर जा रहे हैं पटरी पर, इतने हम चुप रहेंगे और इनको समझाएंगे कि भाई अपना किसी को परेशान नहीं। अगर वहाँ से बैंसला साहब का आदेश आता है तो अब ये संख्या है तो हमारे गांव के सभी वो जो आदेश देंगे जिसके अंदर रात रात में ये हो जाएंगे और उसके आदेश के ऊपर तत्पर हम आध घंटे के अंदर आ जाएंगे। क्या करोगे आगे? जो फैसला देंगे, जो रोड जाम कराएंगे, राजस्थान बंद कराएंगे या कोई धरना पतन जो भी करना साहब।